नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। कपूरथला के सिविल अस्पताल में गत रात्रि कुछ युवकों ने एक युवक की हत्या। पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में हुआ था विवाद। संगरूर के गांव खंदेवाद में स्कूल वैन के नीचे आने से एक बच्चे की हुई मौत। फिरोजपुर पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू। 700 ग्राम हेरोइन, एक पिस्टल, 32 बोर, 5 जिंदा कारतूस और एक्टिवा की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। सिविल अस्पताल कपूरथला के इमरजेंसी वार्ड के बाहर आधा दर्जन से अधिक युवकों ने एक युवक पर तेज धार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव तलवंडी मेहमा में पुरानी रंजिश के चलते देर शाम दो गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें राजकुमार का बेटा जसप्रीत सिंह सिर पर चोट लगने के कारण कपूरथला के इमरजेंसी वार्ड में पट्टी कराने आया था। इसी दौरान आधा दर्जन से अधिक युवकों ने जसप्रीत सिंह पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो इमरजेंसी वार्ड के बाहर कार में बैठे थे। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने उनकी गर्दन पर तेज धार हथियारों से वार किया, जिससे मौके पर ही जसप्रीत सिंह की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना सिटी अर्बन एस्टेट की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया और परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, वो उन्होंने लेके आए थे इतने, तो पिछले उन्होंने दोबारा हमला करता सिविल अस्पताल से। इतने एक बच्चे 20 साल का है, उसकी डेथ हो गई। मेरी नाइट ड्यूटी दौरान तकरीबन 10 बजे राजकुमार साना और ज्वाला राम, जो कि अपनी हिस्ट्री लेके आए थे विद हिस्ट्री ऑफ अलेज्ड असॉल्ट, इन्हों का लड़ाई झगड़े का केस से, विलेज तलवंडी महमा के रहने वाले से जिथे की लड़ाई हुई थी। इन्हों एम एल आर कट रहे थे, सानू बाहर काफ़ी आवाज़ा सुनिया, लड़ाई झगड़े दिया काफ़ी आवाज़ा सुनिया। पी सी आर बुलाया गया फोन करके, तो मरीज़ तक अंदर आया जसप्रीत गिल, तो वह अनकॉन्शियस हालत च सी, उसका बी पी एंड पल्स अनरिकॉर्डेबल सी, उसनों सिर पर काफ़ी गंभीर सट्टा सन, तो रिवाइव करने की इलाज दे असी दौरान मरीज की मृत्यु हो। संगरूर के गांव खंडेवाद में एक बच्चे की माता अपनी बेटी को स्कूल वैन में चढ़ाने के लिए आई। इस दौरान उसका 3 साल का बेटा भी उसके साथ था, जो कि स्कूल वैन के नीचे आ गया, जिस कारण बच्चे की मौत हो गई। यह हादसा ड्राइवर की अनदेखी के कारण हुआ, जिसके चलते लहरा गागा पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मुनक भेज दिया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मेरी भरजाई मेरे भतीजी चढ़ा रही सी, तो भतीजा नाल चलिया गया, तो मैं गेट च खड़ी सी मुंडे दे नाल, तो भतीजी चढ़ा के वापस आने लगी। बैन अगे बच्चा खेल रहा है इधर, तो बच्चे बैन वाले ने बैन चलाती, रौला भी पाया भी रोक लो रोक लो, रोकी नहीं, तो ये कारण आके डेथ हो गई। 3 साल का ਬੱਚਾ ਪੜਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿੱਲੂ ਹੈ ਜੀ। ਬਿੱਲੂ, ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਖਣੇਵਾਦ? ਆਪਣੇ ਖਣੇਵਾਦ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਨ ਦੀ ਵੈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਜੀ ਛੋਟਾ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਜੀ ਜੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਨ ਦੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਿਊ ਹੋ ਗਈ। ਜਸਕਿਰਤ ਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ਹਸਪਤਾਲ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਰੁਕਾ ਭੇਜਤਾ, ਅਤੇ ਮੁਣਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਲੋਰ, ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਖੰਡੇਵਾਦ ਬੱਸ ਆਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਗਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਤੀ, ਉਹਦੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਅੜਕਵਾਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲਈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇ ਤਹਿਤ SSP ਸੌਮਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਂ ਟੀਮੋਂ ਕਾ ਗਠਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। DSP ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਂ ਉਨਕੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ, ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ, 5 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਔਰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਹਿਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇ SPD रणधीर कुमार द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर नशा बेचने का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति हरीश निवासी गांव बजीदपुर को मलवाल रोड नजदीक रॉयल पैलेस के पास से नाकाबंदी कर गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 700 ग्राम हेरोइन, एक पिस्टल, 32 बोर, 5 जिंदा कारतूस और एक एक्टिवा बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपी का रिमांड लेकर गहनता से पूछताछ की जाएगी, जिससे कई और अहम खुलासे होने की संभावना है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। हरीश ते और राहुल ते बॉबी इन तीन दिन तक पर्चा होया सी 34/24 थाना सदर विच। जरा हरीश है, हरीश से 700 ग्राम की रिकवरी हुई, जिवें कि मानजोग SSP फिरोजपुर सौम्या मिश्रा जी के निर्देश है। असी हर केस विच बैकवर्ड लिंकेज तो जानते हैं कि कितों लेके आया सी ते किनू बेचने जा रहा सी। जब उदा पुलिस रिमांड लिता गया, पुलिस रिमांड विच जब पूछगिछ की गई ते होर जरा साइंटिफिक मेथड नाल तफ्तीश की गई, उस विच आ भी पाया गया कि जड़ा हैगा एक नजायज जड़ा हैगा पिस्टल 32 बोर ते 5 जिंदा राउंड ते एक मैगजीन आ जड़ा है ये रिकवरी दी भी हुई है। जरा हरीश हैगा इहदा पहला भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हैगा, इससे पहले भी थाना कुलगड़ी विच 2 पर्चे दर्ज हैगे धारा 307 के तहत। तो जरा भरा है लखन, वो भी जरा है जेल से है, कि रिकवरी उस वाले केस 1.5 किलो हिरोइन, उसके 1.5 किलो हिरोइन की रिकवरी है, लखन जरा भरा है। अमृतसर के थाना मजीठा रोड द्वारा गोपाल नगर में हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति के अंधे कत्ल के मामले को 12 घंटों में हल करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस द्वारा इस मामले में 2 आरोपियों को काबू किया गया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट के 8,000 रुपए और कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू और कटर भी बरामद किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी मोनिका मृतक विजय खन्ना की जानकार थी और अक्सर उसके घर आती जाती थी और उसे पता था कि विजय खन्ना के पास काफी पैसे होते हैं, जिसके चलते उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मिस्टर विजय खन्ना जो 78 ईयर्स ओल्ड सी, 78 साल के करीब उन्होंने उम्र सी, गोपाल नगर मजीठा रोड, सानू इतलाह मिली सी कि गुआंढियों वालों पता लग्या सी कि उन्होंने डैथ हो गई, मर्डर होया सीगा और घर दे विच फोर्सफुल एंट्री दी इंडिकेशन सीगी। तो तुरंत असी सारे सीनियर ऑफिसर उत्थे मौके ते पहुँचे और बड़े प्रोफेशनल तरीके नाल इहदी जांच शुरू कीती, साइंटिफिक ते सारे जिहड़ी एविडेंस है टैक्निकल उहनू भी सारे नू वाचिया। उहदे विच बड़ी अच्छी कामयाबी, मैं इहनू समझदा कि 12 घंटे के अंदर अंदर यह सारा मर्डर ट्रेस होया और इहदे 2 मुलजम फड़े गए ने, एक विशाल पंगू है, ये नगीना एवन्यू अमृतसर का रहने वाला, तकरीबन 28 साल उम्र है, 10वीं पास है, तो मोनिका पत्नी नतीश ये खंडे वाले चौंक 88 फुट रोड की रहने वाली है, उम्र करीब 33 साल है, तो 9वीं पास है। मोटिव जो ये गल सामने आया दोनों मुलजमान के पूछने मुताबिक कि मोनिका अक्सर उन्होंने घर आँदी जाती सी विजय खन्ना जी, तो उन्होंने पता सी कि एक बजुर्ग ने और कल्ले रहिंदे है, मन च ये गल बड़ी क्लीयर सी कि इन्हों को काफ़ी ज़्यादा पैसा तो दूजा गहना और वैल्यूएबल्स है। उस मंशा ना इन्हें इहदे नाल कॉन्सपरेसी की विशाल ना, तो दोनों जने ने गिणी मिथी साजिश तहत उत्थे ये जड़ा फोर्सफुल एंट्री करके और उन्होंने हाथ पैर बनते मूँह बनता। लकीली की होया कि जो ये रौला पिया, एक कटर भी इन्हों तो बरामद होया, तो नाइफ भी बरामद हुई है जिहदे नाल कि इन्होंने क्राइम किया।
अमृतसर के पाम गार्डन में अपनी एक्टिवा पर घर वापस जा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति को तीन लड़के जिन्होंने अपने मुंह पर कपड़े बांधे हुए थे, उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति को पिस्तौल दिखाकर 5,000 रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी प्रभजोत सिंह विर्क ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने वाले अमृतपाल सिंह उर्फ काका और यादविंदर सिंह उर्फ याद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से लूट में इस्तेमाल किया गया एक खिलौना पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल और लूट के 900 रुपए भी बरामद किए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है ताकि जल्द ही इनके तीसरे साथी को भी गिरफ्तार किया जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पाम गार्डन दे लागों जा रहे थे ते उन्हां नू दो तीन मोटरसाइकिल सवार बंदियां ने जिहड़ा सीगा पहला रोकिया, फिर उन्हां तों जिहड़ा सीगा पैसा खोलिया सी और इह सोशल मीडिया ते काफ़ी वीडियो जिहड़ी वायरल होई सीगी और इहदे इहनूं असीं जिहड़ा सीगा इहदे विच असीं FIR नंबर 34 जिहड़ी सीगी 379B दे तहत जिहड़ी सीगी दर्ज करके असीं तफ्तीश शुरू कीती। उहदे विच साडे ACP नॉर्थ वरिंदर खोसा नाल इहनां दे SHO सदर ते बाकी सारी टीम ने बहुत मेहनत करके, क्योंकि ये जिहड़ी क्राइम सीगा इक बजुर्ग दे नाल होया सीगा ते उहनां दा जिहड़ा क्राइम करन दा ढंग सीगा बहुत ही मतलब कि गलत सीगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति नूं जिहड़ा सीगा तुरे स्कूटरी ते जा रहे सीगे उन्हां नूं रोक के उन्हां नाल जिहड़ा मैन हैंडलिंग की गई सी, उस तों बाद उन्हां तों जिहड़ा सीगा इह होया गया सीगा। इस चीज़ नूं जिहड़ी हैगी है सीरियसली लैंदे होए कमिश्नर साहब साडे एक माननीय कमिश्नर सी अमृतसर जी ने स्पैशल टीम बना के इन्हां दी जिहड़ी सीगी ड्यूटी लाई और इहदे विच असीं जिहड़े हैगे अमृतपाल सिंह जिहड़ा हैगा मजूपुरे दा थाणा ਝੰਡੇਰ ਦਾ ਅਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੇਤਨਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਖਡਾਉਣਾ ਪਿਸਤੌਲ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਟੀਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਹ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। जालंधर के मॉडल टाउन में स्थित राणा अस्पताल के पास भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार फॉर्चूनर चालक ने ट्रांसफार्म में टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि इस हादसे में गाड़ी के दोनों एयरबैग खुल गए तो वहीं ट्रांसफार्म भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद कार चालक गाड़ी की दोनों नंबर प्लेट उतार कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार हादसे के वक्त गाड़ी में सिर्फ एक व्यक्ति सवार था जो कि अमृतसर एयरपोर्ट से लौट रहा था। बताया जा रहा है कि गाड़ी शहर के मशहूर प्रॉपर्टी डीलर की है। मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि गाड़ी चालक का पता लगाया जा रहा है और आसपास लगे CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। वहीं इस हादसे के बाद इलाके में बत्ती गुल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार हादसे में पावरकॉम का काफी नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही जालंधर पावरकॉम की टीमें भी मौके पर पहुंच गई थी। सुबह सुबह तारों को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया। पुलिस ने राणा अस्पताल के सामने से दोनों तरफ से रास्ता भी बंद कर दिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। अच्छा जी, गड्डी तेज सी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਸਵੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਸਕਿਡ ਮਾਰਕ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬਰੂਕਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਏ। जालंधर के थाना 8 के अंतर्गत आते दादा कॉलोनी में स्थित MSMA मेटल इंडस्ट्री से नकदी सहित लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया। चोर फैक्ट्री के ताले तोड़कर अंदर से पीतल का सामान और दफ्तर का ताला तोड़कर गल्ले में पड़े 20,000 रुपए चुरा कर फरार हो गए। चोरी की शिकायत थाना 8 की पुलिस को दे दी गई। मेटल इंडस्ट्री के मालिक प्रदीप कुमार ने बताया कि वे सुबह फैक्ट्री आए तो देखा कि बाहर गेट के ताले टूटे हुए थे। फैक्ट्री के अंदर चेक किया तो लाखों रुपयों का पीतल का रेडीमेड सामान गायब था। दफ्तर में देखा तो वहां पर भी लॉक टूटा हुआ था और ड्रॉअर में पड़ा 20,000 रुपए के करीब का कैश गायब था। प्रदीप कुमार ने बताया कि चोरी की शिकायत थाना 8 की पुलिस को। MS दादा कॉलोनी MS कॉलोनी है अपने, उत्थे एक इंडस्ट्री बनी हुई है ते उत्थे इंफॉर्मेशन आई सवेरे सानू रात केंद्र उत्थे चोरी हो गई ते वो पीतल का समान वगैरह बनता इन्हों का टूटियां वगैरह बाल बाल बनते वो ले गए। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਜੀ? 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ
ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਕ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੀਸੀਟੀ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਸੀਸੀਟੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆਏ ਦੋ ਜਣੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾੜੇ ਤੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾੜੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣਾ अमृतसर में खुराना ज्वेलरी हाउस ने डी बियर्स फॉर एवर मार्क के सहयोग से एक असाधारण फैशन शो का आयोजन किया। इस भव्य कार्यक्रम में खुराना ज्वेलरी हाउस के डी बियर्स फॉर एवर मार्क डायमंड से तैयार किए गए नवीनतम कलेक्शन को लॉन्च किया गया और साथ ही समकालीन आभूषणों में नेचुरल डायमंड्स के पक्ष के लिए एक मंच के रूप में भी काम किया। इस फैशन शो में विशेष रूप से आई नरगिस फाकरी ने कहा कि वे अमृतसर में डी बियर्स फॉर एवर मार्क और खुराना ज्वेलरी हाउस के साथ अलमास कलेक्शन के अनावरण का हिस्सा बनकर वास्तव में खुश हैं। उन्होंने कहा कि नेचुरल डायमंड्स वास्तव में अनमोल हैं और जीवन के विशेष मील के पत्थर की याद दिलाते हैं। इस अवसर पर खुराना ज्वेलरी हाउस की निदेशक ने कहा कि खुराना ज्वेलरी हाउस में वे टाइमलेस पीसेस को तैयार करने के लिए समर्पित है जो उत्कृष्टता और स्थिरता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। Amritsar se Halchal ke liye Sunil Khosla ki report. Well, today's event is spectacular. Obviously, I'm with two wonderful brands, De Beers and Khurana Jewelry. And it's wonderful to be here. And I'm so happy to be in Amritsar. It's my second time after many, many, many years. Ma'am, today you also went to the Golden Temple to go down in front of Guruji. Yes. What about your feeling? I felt wonderful. I love religious places. I'm a person who's very spiritual, and the Golden Temple is very special because Rockstar, my first movie, we did promotions all through Punjab, and I have such beautiful memories. And so I was the first thing. Sorry, no offense to you guys. हमारी इस शाम पे मैम ने आके चार चांद लगा दिए नरगिस फाकरी ने आके एंड वी आर वेरी प्रिविलेज्ड कि इतनी खूबसूरत और इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस हमारे बीच में है। हमारे डायमंड्स और भी खूबसूरत लग रहे हैं इन पे। डिवियर्स फॉरएवर मार्क के साथ हमारी जो एसोसिएशन है दैट इज 13 इयर्स ओल्ड एंड हम उस एसोसिएशन के लिए बहुत गर्व करते हैं दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट एसोसिएशन। जीरा की दाना मंडी से पूर्व इलाका विधायक और यूथ कांग्रेस के जिला फिरोजपुर प्रधान कुलबीर जीरा की अगुवाई में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का एक बड़ा जत्था फिरोजपुर में यूथ कांग्रेस द्वारा निकाले जा रहे पैदल मार्च के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुलबीर जीरा ने कहा कि बीते कई दिनों से किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर अपने हक की कई मांगों को लेकर प्रदर्शन पर बैठे हैं जिन्हें हरियाणा सरकार और पुलिस द्वारा दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा और उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। इसी के रोष में फिरोजपुर में यूथ कांग्रेस की ओर से पैदल मार्च निकाला जा रहा है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। जैसा कि हम सबको पता है कि फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है लेकिन 4 साल के बाद 29 दिनों का फरवरी का महीना आता है। हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जिसके बच्चे का जन्मदिन 4 साल के बाद आता है और ये परिवार अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए 4 साल तक इंतजार करता है। 12 साल के हुए राजवीर के जन्मदिन का पूरे परिवार को बेसब्री से इंतजार रहता है और परिवार की ओर से ढोल और डीजे लगाकर अपने बच्चे का जन्मदिन बड़ी खुशी से मनाया जाता है। ये परिवार अमृतसर के दबुर्जी इलाके का रहने वाला है। परिवार का कहना है कि वे अपने बच्चे के जन्मदिवस को मनाने के लिए 4 साल का इंतजार करते हैं और 4 साल के बाद बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है। केक काटकर इस उत्सव की खुशी मनाई जाती है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁਰਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਆਉਂਦਾ। 4 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਨੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੂਬ ਮਨਾਈਦਾ ਬਸ। ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਾ ਜੀ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ? ਆਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ।
ਪਰ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨਾਓ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਅਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜੀ? 4। ਜਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਨਸ਼ੋਂ ਕਾ ਛੱਟਾ ਦਰਿਆ ਬਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ नशे के इस दलदल में धंसती जा रही है, तो वहीं जंडियाला गुरु के गांव धारड़ की पंचायत ने एक बहुत ही बढ़िया प्रयास करते हुए इन नौजवानों का ध्यान नशे से हटाकर अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए प्रेरित करते हुए इन नौजवानों को खेलों का सामान लाकर दिया। इस मौके पर गांव के सरपंच सुखविंदर सिंह ने कहा कि उनके गाँव में नशों का बहुत जोर है, इसीलिए उनकी पंचायत ने ये फैसला किया है कि क्यों ना इन नौजवानों का ध्यान नशों से हटाकर खेलों के प्रति लगाया जाए। तो वहीं इस मौके पर नौजवानों ने गांव की पंचायत का आभार प्रकट किया। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्वनी शर्मा की रिपोर्ट। इहदे बारे वेखो जी, सरपंच साहब सरदार सुखविंदर सिंह हुणां ने बहुत वधिया उपराला कीता है, क्योंकि ये खेडां वल बच्चे जिहड़े लगणगे ते नशियां वल्लों इहनां दा ध्यान हटूगा, आउण वाली पीढ़ी है जिहड़ी इह नशियां तों बच सकूगी, ध्यान इन्हों का खेडों वाल रहेगा। ये जी साढ़े पिंड जो नशा का बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है, तो ये बच्चे जोड़े सूझवान पढ़े लिखे आ, तो ये सानू कह लगे भी सानू जोड़ा वा मतलब समान जड़िया किटा लिया के दो, इस करके इन्हों किटा लिया के दतिया वा, तो ये खेडन लग पे आ। तो जोड़े बच्चे जोड़े छोटे आड़े आहो मतलब ये बच्चे जो सीधे रस्ते पैणगे तो जोड़ा नशिया का जो बोलबाला साढ़े पंजाब चो या पिंड चो खत्म होगा, इस करके अं किटा लिया के दतिया जी। जरिया फॉर वॉइसलेस वेलफेयर सोसाइटी की भारत की पहली इलेक्ट्रिक एनिमल एम्बुलेंस को एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। इस अवसर पर एंटी क्राइम एंटी एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर रोहन मेहरा ने उन्हें बधाई दी। डॉक्टर रोहन ने जरिया फॉर वॉइसलेस के प्रधान लवेश महाजन और उनकी पूरी टीम को इस मौके पर बधाई देते हुए कहा कि बेजुबानों की सहायता के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। इस एम्बुलेंस से अब तक बहुत से बेसहारा जानवरों के इलाज में मदद मिली है। ये सुविधा सोसाइटी की तरफ से फ्री दी जा रही है। इस मौके पर सोसाइटी के विकास, जसवीर कौर, मनीष मेहरा, अजय कुमार, सोनू कुमार सहित सभी सदस्यगण मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर रोहन मेहरा, चेयरमैन एंटी क्राइम एनिमल प्रोटेक्शन। तो अज असी जी एम्बूलेंस की सर्विस जी अमृतसर बेजुबान के वास्ते जरिया फॉर वॉइसलेस जी सोसाइटी है वो चला रही है, वो भारत की जी इकलौती जी ई एम्बूलेंस असं कह सकते हैं जिहड़ी कि बेजबान जानवरों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। अज उन्होंने एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाल सम्मानित किया गया, तो मैं उन्होंने जेडे प्रधान ने लवीश महाजन जी उन्होंने बहुत बहुत बधाई देना वा, और इन्हों की जी पूरी टीम आ उन्होंने भी बहुत बहुत बधाई देना वा कि उन्होंने जोड़ा उपराला अमृतसर शुरू किया के पूरे भारत के बहुत ज़्यादा लोग उत्साहित हो शिक्षा लैनगे किस तरह की एम्बुलेंस पूरे इंडिया दे विच जिहड़ियां चलनियां चाहीदियां ने। पंजाब पीरों फकीरों की धरती है, जहां समाज में आपसी भाईचारा बनाए रखने में ऐतिहासिक मेले अहम भूमिका निभाते हैं। जिला कपूरथला को पीरों फकीरों की धरती माना जाता है। देश की आजादी से पहले कपूरथला रियासत के समय से पुरानी जेल रोड के साथ सखी सरवर पीर बाबा लाला सरकार का मेला हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया। आपको बता दें कि कपूरथला रियासत के राजा इस मेले में हाथी पर बैठकर आते थे। ये ऐतिहासिक मेला हिंदू, सिख, मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों की एकता का प्रतीक है। सभी धर्मों के लोग सखी सरवर पीर बाबा लाला वाली सरकार के दरबार में हाजिरी भरकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। इस मौके पर मेले के प्रबंधक सेवादारों ने इस मेले के बारे में जानकारी साझा की। ਇਕੱਲੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਕਦਾਵਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਦਾਵਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਦਾਵਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਨਿਮ ਕੇ ਜਾਓ,
ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਹਲਕਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਲਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਭੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਹਲਕੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਵਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। गुरुद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौक अड्डा होशियारपुर जालंधर की ओर से 362वां मासिक गुरमत समागम आयोजित करवाया गया, जिसमें भाई मेहताब सिंह जालंधर वाले, भाई हरजीत सिंह, भाई पवनीत सिंह, भाई गुरपाल सिंह ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को निहाल किया। इस दौरान अरदास के उपरांत गुरु का अटूट लंगर भी वितरित किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन परमजीत सिंह हीरा भाटिया, प्रधान अमृतपाल सिंह भाटिया, जनरल सचिव मक्खन सिंह, बूटा सिंह, बाबा सतवीर सिंह, दीदार सिंह, जत्थेदार सरदार सिंह, मनमहिंदर सिंह संदल, बीवी हरजिंदर कौर, बीवी सुरेंद्र कौर, बीवी परमिंदर कौर, बीवी रुपिंदर कौर सहित बड़ी संख्या में संगत मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ਵਿਖੇ 362ਵਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਸਪਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋਈਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਭਾਟੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਮਨਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦਲ, ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ।
जिते असं संतान जिया कहने वो नाल ही असी हलचल चैनल का भी धन्यवाद करते हाँ जोड़ा कि साढ़े इतने धार्म जिन्हें भी प्रोग्राम होंगे वो ये रिकॉर्डिंग करके दुनिया तक पहुँचाते हैं इन्हों का असी प्रबंधक कमेटी वालों बहुत बहुत धन्यवाद और जिया। प्रेमनाथ खन्ना अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए। उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना सभा और रस्म पगड़ी श्री देवी तालाब मंदिर स्थित श्री राम हॉल में जालंधर में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय प्रेमनाथ खन्ना की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर कमेटी के महासचिव राजेश विज, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, मनमोहन सिंह, विजय चौहान, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री अवतार हेनरी, दविंदर सिंह और पारिवारिक सदस्यों में दिनेश खन्ना, मीनू खन्ना, राजेश खन्ना, उमेश खन्ना, मनु खन्ना, सूरज प्रकाश आनंद, रेणु आनंद, अरुण नंदा, सीमा नंदा सहित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय प्रेमनाथ खन्ना को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। आज अच्छे उस शख्सियत को अंतिम श्रद्धांजलि देने वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हां जिन्हां का नाम श्री प्रेमनाथ खन्ना और उन्हां का जन्म लाहौर दे विच श्री केदारनाथ खन्ना और श्रीमती कमलावती खन्ना के घर 5 मार्च 1935 में होया। पार्टीशन तो बाद प्रेमनाथ खन्ना जी अपने परिवार के नाल पटियाले आ गए। पटियाले आके खन्ना परिवार ने पढ़ाई की। सारे बच्चों ने आपस दे विच प्रेम नाल रहना सीखा। प्रेमनाथ खन्ना जी अपने नाम सार्थक करते हुए अपने परिवार के विच एक प्रेम की मिसाल सी। उन्होंने प्रेम वंडिया और परिवार को प्रेम नाल रहना ही सिखाया। आदरणीय पंडित जी, पूज्य मंत्री शक्ति, आदरणीय महानुभाव, अज असी सारे साढ़े बहुत ही सत्कारयोग और मेरे पिता समान स्वर्गीय प्रेम खन्ना जी की अंतिम अरदास के विच कत्तर होए हैं। मौत इस जीवन का अटल सच है। जो भी प्राणी संसार जाता उन्हें एक ना एक जाना है। बाणी का फरमान है, मरण लिखाए मंडल में। इंसान की किन्नी आयु होएगी, इंसान ने की कर्म करना है, इंसान का की भाग्य होएगा, ये सारिया चीज़ा जन्म तो पहले से होंगे। लेकिन कुछ इंसान अपने कर्मा राही, अपने सुभा राही या अपनी औलाद राही इतने छापा छड़ जाते हैं जेडे कि भलाई नहीं भूलते।